Good morning, dear students. Today in this class, we are going to read things from class 7. And before discussing the exercise part of lesson 8, and the name of the lesson is the Olympic champion, right? So in our previous class, we have discussed about the question answer in this lesson. And yesterday we have talked about the questions, the 7 answers of the 7 questions that is given in a book. So let's discuss it once again. हम एक बार फिर से जो कल हमने पढ़ा है क्वेश्चन आंसर, उसमें वीडियो की खराबी की वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आया है, उसको हम आज फिर से रिपीट कर लेते हैं. मैं आपको समझा दे रही हूँ और उसके बाद में आगे की एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो जो ये लेसन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, What do we know about the Asian Olympic Games? हम एशियन ओलंपिक गेम्स के बारे में क्या जानते हैं? तो ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है कि वी नो ओनली अ फ्यू थिंग्स अबाउट एशियन ओलंपिक गेम्स. ठीक है, देन इसके बाद में क्या आंसर करना है हमें? उसके बाद में हमें लिखना है कि एन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन ग्रीस इन 1776 BC एट ओलंपिया. ओके, देन इसके बाद में देयरफोर दिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल वॉज कॉल्ड ओलंपिक गेम्स. ये है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम. ओलंपिक गेम्स को उसका नाम कहाँ से मिला, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है बच्चों, द ओलंपिक गेम्स फेस्टिवल वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड इन ग्रीस एट ओलंपिया. So this sports festival got its name from the place Olympia. Okay? इसका अर्थ क्या हुआ? इसके लिए हुआ कि जो ओलंपिक गेम फेस्टिवल था, उत्सव है, त्यौहार था, वो पहली बार 1776 BC में ओलंपिया, ग्रीस के ओलंपिया में हुआ और वहां से इसको उसका नाम प्राप्त हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who won a gold medal for rowing race in the Olympic Games of 1928. 1928 में जो रेस हुई थी उसमें कौन जीता था? ठीक है, तो इसका आंसर बस यही है कि बॉबी पियर्स वन गोल्ड मेडल फॉर रोविंग रेस इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट एज डिड ही विन द फर्स्ट रेस. बॉबी पियर्स फर्स्ट रेस कब जीते, है ना? तो इसका आंसर है बच्चों, बॉबी पियर्स वॉन द फर्स्ट रेस एट द एज ऑफ 6. 6 साल की उम्र में उन्होंने पहली रेस जीता था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज हु डिड ही कम्पीट विद इन द फाइनल ऑफ एम्स्टर्डम ओलंपिक. जो ओलंपिक गेम एम्स्टर्डम में हुआ था, है ना, तो उसमें उनका कॉम्पिटिशन किसके साथ में था? बॉबी पियर्स का कॉम्पिटिशन किसके साथ था? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि जब जो रेस हुई थी एम्स्टर्डम में, उसमें जो कॉम्पिटिशन था दैट वॉज विद केन मेयर. ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस, ही कम्पीटेड विद केन मेयर ऑफ अमेरिका इन द फाइनल ऑफ एम्स्टर्डम ओलंपिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज्ड बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस. क्या रीजन था, क्या कारण था जिसकी वजह से बॉबी पियर्स रेस में जो प्रतियोगिता हो रही थी, नाव की दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें उन्होंने अपनी स्पीड को स्लो क्यों किया, कम क्यों किया? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डक एंड अ डकलिंग स्वैम अक्रॉस द वॉटर वे. इट वॉज अ पार्ट ऑफ बॉबी बोट. द बोट वॉज गोइंग टू रन इन टू देम, देयरफॉर बॉबी हैड टू स्लो डाउन इन द मिडिल ऑफ द रेस, राइट? तो ये है इसका आंसर कि क्यों हुआ था स्लो डाउन करने की जरूरत, इसलिए पड़ी थी क्योंकि एक बतख और उसके जो बेबीज थे, डकलिंग थे, वो उस नाव के रास्ते, वो उस पानी के रास्ते पे आए गए थे और जो बॉबी पियर्स की नाव थी तो वो उन पर चलने वाली थी, इसलिए बॉबी पियर्स को अपनी बोट की स्पीड को स्लो करना पड़ा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही सॉ अ डक एंड अ डकलिंग स्विमिंग अक्रॉस द वॉटर वे. बॉबी पियर्स ने क्या किया जब उसने बतख और उसकी बेबी को, उसके बच्चों को
नदी में अक्रॉस, नदी के अक्रॉस जाते हुए देखा, तो उस टाइम पर क्या किया वॉलंटियर्स ने? ओके, तो हमें इसका आंसर करना है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ही फ्लोट डाउन हिज बोट व्हेन ही सॉ अ डक एंड हर डकलिंग अक्रॉस द वाटरवे. जब बॉबी पियर्स ने बतख और उसके बेबी को, उसके बच्चों को पानी के रास्ते में देखा, तो उसने अपनी नाव को स्लो कर दिया. ओके, तो ये था जो हमने कल पढ़ा हुआ था. ओके, इट वॉज ऑल, ये इतना ही हमने कल पढ़ा था. ड्यू टू ऑडियो एंड वीडियो प्रॉब्लम आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई थी. आई थिंक तो की बहुत क्लियर हो गई है ना. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे. सो हियर द बी पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज गिवन एज, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वी आर डूइंग और उसके बाद में हमें ये डिसाइड करना है कि दिया हुआ सेंटेंस सही है या गलत है. अगर सही होगा तो हमें सी लिखना है, अगर फॉल्स होगा, गलत होगा, तो हमें एफ लिखना है. राइट, तो चलिए देखते हैं हम अपनी सेंटेंसेस को जो इसमें दिए हुए हैं. तो हियर द फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन एज, क्या फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है? सेंटेंस दिया हुआ है बच्चों, एथलीट कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स. एथलीट यानी कि जो गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो ऑल ओवर द कंट्रीज, वो पूरे विश्व भर से आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए ओलंपिक गेम्स में. तो आप लोग को इस लेसन के स्टार्टिंग में ही बताया गया था क्या होता है बच्चों. होता ये है कि जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, वो सभी पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो हियर यू विल राइट द फर्स्ट सेंटेंस एज ट्रू एंड वी हैव टू पुट ओनली टी. ओके, हमें टिक करना है जिसको हमने टी वाले पॉइंट में. ओके, आप सभी लोग अपने नोटबुक को कर लीजिए और उसके साथ साथ में समझते भी जाइए. ओके, यू ऑल हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. ओके, now the next question is, next sentence jo diya hua hai, that is Bobby Pierce's father was a great wrestler. jo Bobby Pierce the unke jo pitaji the wo ek great wrestler the, yani ki kutti baar the. wrestler ka matlab hota hai kutti karne wale, hai na. to aapko ko yaad hoga maine is lesson ki starting par hi aapko bataya tha ki jo Bobby Pierce ke father the, he also was a schooling champion. wo bhi kya the, वो एक बोट रेसर थे. राइट, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है दैट इज फॉल्स. तो ये यू कैन पुट द टिक ऑन एफ पार्ट. एफ में टिक कर देंगे बच्चों, मैं दोनों पार्ट लिख रही हूँ सो दैट यू नॉट गेट कंफ्यूज. ओके, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ट्रू और फॉल्स भी लिखी जा रही हूँ और टिक करते हुए भी आपको बताती जा रही हूँ कि आपको कैसे करना है. ओके, एंड इन योर नोटबुक यू हैव टू मेक इट वेरी केयरफुली एंड यू ऑल please make a notebook, make proper notes also, because it will help you during the examination. okay, jab exam hoga tab aapko ye help karega likhne ke liye. okay, so now the next sentence is given as, at the age of 6, 6 saal ki umar mein Bobby won the first race. Bobby Pierce 6 saal ki umar mein pehli race jeete the. to ha, ye answer bilkul sahi hai.
है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे, हम टिक कर देंगे सी पर, ओके। दैट इज द राइट आंसर, इज द राइट सेंटेंस, ओके। बॉबी पियर्स अपनी पहली रेस 6 साल की उम्र में जीते थे, ओके। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द पीपल ऑन द बैंक वर साइलेंट, जो लोग नदी के किनारे पर थे वो शांत थे, तो क्या ये सही है? Do you remember something like this? क्या आपको किसी को ऐसा कुछ याद है कि ऐसा कुछ था? नहीं याद है ना। तो इट मीन्स वॉट, इसका मतलब यही हुआ कि जो बॉबी पियर्स के बॉय पियर्स के फ्रेंड्स थे, जो कि बैंक का वेट कर रहे थे, दे ऑल वर इंकरेजिंग बॉबी पियर्स, वो सभी बॉबी पियर्स को इंकरेज कर रहे थे, राइट नाउ हियर, ओके। Now the next sentence is given as, his friends in the Australian Olympic team were not surprised. जो उसके friends थे, इसके Bobby Pearce के जो friends थे, तो वो क्या थे? Surprised नहीं थे, है ना? ऐसा लिखा हुआ है, तो आप लोग याद होगा कि जो हमने lesson पढ़ा है, lesson के time पर हमने देखा था कि जो बॉबी पियर्स के फ्रेंड्स थे, उनको इस बात से जो इंसिडेंट हुआ था कि बॉबी पियर्स ने अपनी बोट की स्पीड को स्लो कर दिया है और बतख और उसके बच्चों को जाने दिया था, इस बात से उसके फ्रेंड्स बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे, बिकॉज वो उसके दोस्त थे, बॉबी पियर्स के दोस्त थे, और उनको अच्छे तरीके से पता था कि बॉबी पियर्स कितना काइंड है, राइट। वो बहुत ही दयालु है, ये बात उसके दोस्तों को पता थी, इसलिए वो सरप्राइज नहीं थे। इसलिए ये सेंटेंस आपका ट्रू है, ओके। तो यू ऑल हैव टू यहाँ पर कुछ है जो कि मिसिंग है, ओके। यहाँ पर जो फोर्थ सेंटेंस है, दैट इज द पीपल ऑन द बैंक वर साइलेंट, जो लोग बैंक में किनारे पे थे वो शांत थे, इसका आंसर फॉल्स है बच्चों। प्लीज पुट द फॉल्स इन द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। Fourth answer is false. So you have to stick on the false. Okay. Now fifth sentence. हमने देखा है इसमें क्या लिखा हुआ है? His friends in the Australian Olympic team were not surprised. जो ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक टीम में उसके दोस्त थे वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे। तो ये आंसर आपका ट्रू है। Okay. हमने एक सेंटेंस को मिस कर दिया था। तो गाइस प्लीज डू करेक्शन। Okay. Now, सभी को विजिबल है ना? ओके, ग्रेट। नाउ इट इज क्लियर, अब सही है? कैन यू ऑल गाइस सी? ओके, नाउ ग्रेट। यस मैम। फोर्थ आंसर इज योर बॉल एंड नाउ ठीक है, अब सही है, ओके। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, दैट द नेक्स्ट सेंटेंस इज, प्लीज राइट योर आंसर केयरफुली। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज गिवन, द लास्ट सेंटेंस आल्सो, इन ऑल दीस इयर्स ही लॉस्ट अ फ्यू रेसेस। बॉबी पियर्स के बारे में कहा जा रहा है कि जितने भी साल बॉबी पियर्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द आफ्टर द एज ऑफ 6, वो कुछ मैचेस हारे थे। तो आप लोगों को याद होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उन्होंने शायद उन्होंने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 1945 पे, और अपनी 6 साल की उम्र में उन्होंने लगातार पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने जितनी भी रेस में पार्टिसिपेट किया टिल 1945, वो एक ही रेस हारे नहीं थे, ओके। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, सो हियर इज द राइट फॉर्म एंड यू कुड स्पीक ऑन द एंड, ओके। So it is the second part of the exercise. ठीक है, comprehension का second part भी ऐसे complete होता है. Now we will talk about the next part of the exercise, that is voice power. Okay? So let me know students, क्या आप सभी ने इसको कर लिया है complete? किसी का बाकी तो नहीं है? Just message in the comment box, right? अपने speakers को unmute मत कीजिएगा. Do message in the chat box, right? Is it okay? Yes, ma'am. आप सभी ने इतना कर लिया है? Oh, yeah.
Yes, ma'am. Okay, Suresh. Fine. चलिए अब हम next. Okay, Samir. Thanks for your response. Now, अब हम discuss करेंगे the next part of this exercise. The third part. And the third part is given as word power. Okay. So अब हम जो discussion करेंगे generally about word power. So let's see what is given in the third part. Word power, okay? So here in this word power, what is given? क्या instruction दिया हुआ है? मैं instruction को ले रही हूँ क्योंकि दिया हुआ है आपको इस book में. So here instruction is given. Ducklings are the young ones of ducks. Okay? Ducklings are the young ones of ducks. जो ducklings होते हैं वो ducks के young ones होते हैं. The word ending in let or it shows the similar shows a smaller version of a thing or a baby creature. Okay? Child instruction दिया हुआ है. इसमें instruction में बताया गया है बच्चों कि जो ducklings होते हैं word है ducklings. Okay? ये किसके बेबीज होते हैं? डक के बेबीज को डकलिंग्स कहते हैं, राइट? तो सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से जो एच है और जो इट वर्ड है, ओके? तो इसमें क्या है बच्चों, जो ये दोनों वर्ड्स हैं, तो इन दोनों वर्ड्स में क्या हो रहा है? इन दोनों वर्ड्स में स्मॉलर वर्जन को हो रहा है. कौन कौन से वर्ड्स हैं? दोज वर्ड्स आर लाइक दिस डेट एंड एच. जो ये दोनों वर्ड्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? स्मॉलर वर्जन शो कर रहे हैं, ठीक है? यू कैन से कि यंग वंस भी कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका स्मॉलर वर्जन शो कर रहे हैं और जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बेबीज का नाम शो कर रहे हैं. ओके तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें मैचिंग करनी है, राइट? हमें मैचिंग करनी है. ओके तो मैचिंग करके हम देखते हैं बच्चों मैचिंग में क्या करना है. लेट्स सी. ओके तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है दैट इज फॉर द एग्जाम्पल एंड इट्स गिवन एज इट एंड इन फ्रंट ऑफ दैट इज रिटन एज पिगलेट. ओके फिग एंड द पिगलेट. ओके नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है नेक्स्ट वर्ड में क्या है? यू ऑल कैन सी आउल. ओ डब्ल्यू एल आउल. आउल का मीन्स क्या होता है? आउल मीन्स होता है उल्लू. ओके जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड हियर. ओ डब्ल्यू एल आउल. आउल मीन्स उल्लू. तो जो आउल का बेबी है बिकॉज इट लिविंग थिंग. उल्लू एक लिविंग थिंग्स है, लिविंग बींग है, तो उसके बेबी को क्या बोलेंगे? आउल के बेबी को बोलेंगे आउलेट. ओके ओ डब्ल्यू एल ई टी. ओके नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट इज गिवन हियर जो नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है क्या है वो नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉन. ओके तो जो फ्रॉन होता है बच्चों उसके बेबी को क्या बोलते हैं? पिगलेट बोलते हैं. ओके नाउ द नेक्स्ट फोर्थ वर्ड जो आपको फोर्थ वर्ड दिया हुआ है दैट द फोर्थ वर्ड इज बुक. द फिफ्थ वर्ड इज रिवर एंड द सिक्स्थ वर्ड इज किचन. आप सभी को मैचिंग करनी है इस फॉर्म में. मैं आप लोग के जो आंसर्स है उसको डायरेक्टली सामने लिख रही हूँ. ओके आई थिंक सो कि आप सभी को ये दिख रहा होगा, विजिबल होगा बोर्ड पर, क्लियरिटी होगी, विजिबिलिटी भी क्लियर होगी. सो नाउ लेट्स डू द आंसर. हम आंसर को लिखते हैं. तो जो बुक होता है बच्चों इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. ये क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है. और जो रिवर है इट्स ऑल्सो नॉन लिविंग. ओके एंड किचन इट्स ऑल्सो नॉन लिविंग. ओके तो जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं आपकी बुक, रिवर और किचन, इनको हमें क्या करना है? इनको हमें स्मॉलर वर्जन में क्रिएट करना है. तो हियर बुक जो बुक है उसका हो जाना है बुकलेट. फर्दर रिवर का हो जाना है रिवुलेट एंड किचन का हो जाना है किचनेट. ओके
ओके मैम बच्चों ऑल गाइस प्लीज राइट इट डाउन आप सभी इसको लिख लीजिए यस मैम ओके बेटा आप सभी इसको लिखिए और उसके बाद में हम अब इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे ओके नेक्स्ट पार्ट दैट इज गिवन एज ग्रामर इन यूज तो अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज दैट इज ग्रामर इन यूज प्लीज गाइस रीड फास्ट आप सभी इसको अच्छे से जल्दी से कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया हो एंड रेस्ट हु हैव डन प्लीज कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ओके सो नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज ग्रामर इन यूज ग्रामर इन यूज तो अब हम जो डिस्कशन करेंगे जो हम बातचीत करेंगे दैट विल बी अबाउट द ग्रामर इन यूज अब हम बात करेंगे ग्रामर इन यूज की तो देखते हैं इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो पहली बात ये है बच्चों कि जो ग्रामर इन यूज का पार्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है तो पहले हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट पार्ट द ए पार्ट ऑफ द ग्रामर इन यूज सो हियर ए पार्ट इज इंस्ट्रक्टेड एज फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस Right, rest you can write it down. Okay, now let's see those sentences. Hum sentences ko dekhenge. Okay, let me write the full instruction first. ओके अब जो है आपका इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही क्लियर है इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है बच्चों कि आप लोग को जो रिक्त स्थान है खाली स्थान है ब्लैंक स्पेसेस है उनको फिलअप करना है जो वर्ड्स दिए हैं दैट आर वर्ब वो क्या है वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में जो वर्ब होती है क्रिया होती है तो वो शब्द आपको फिल करना है लेकिन उन शब्दों को फिलअप करने से पहले आपको उसका फॉर्म यानी कि उसका रूप परिवर्तित कर देना है चेंज कर देना है राइट आई थिंक सो दिस इज क्लियर टू यू आपको क्लियर होगी ये बात तो कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट करते हैं जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है आप सभी के पास में बुक्स है ना यू ऑल गाइस आर हैविंग बुक्स ना तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है दैट इज गिवन लाइक दिस अवर इंडियन क्रिकेट टीम ओके जो हमारी भारतीय क्रिकेट की टीम है ओके डैश द वर्ल्ड कप इन 1983 वो क्या की 1983 में जो क्या हुआ था वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्या की थी जीती थी है ना तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा जो शब्द आएगा दैट विल बी विन लेकिन विन का हमें फॉर्म चेंज करना है रूप चेंज करना है आप लोग को याद होगा कि विन का क्या होता है जो फॉर्म होता है वो चेंज होता है विन वॉन वॉन ओके तो हम क्या करेंगे बेटा अर्थ डोंट अनम्यूट योर सेल्फ अगर कुछ कहना है तो मैसेज इन कमेंट बॉक्स ओके और ओके नाउ हु इज दिस ओप्पो एंड दिस बॉय प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ अपने आप को अनम्यूट मत करो ओके आप लोग को नहीं बोलना है यू हैव टू ओनली लिसन और अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू हैव टू मैसेज इन द चैट बॉक्स राइट मेक इट क्लियर ठीक है बच्चों नाउ द नेक्स्ट व्हाट इज गिवन तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे थे यहाँ पर हम लिखने जा रहे थे जो फर्स्ट है वर्ड है विन इसको हमें चेंज करके तो जो हमारा वर्ड में से भरा जाएगा तो फिल किया जाएगा दैट विल बी वॉन ओके कोई विन मत लिख लेना वॉन लिखना है ओके नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है आई एम रीडिंग दैट सेंटेंस सेंटेंस दिया हुआ है देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड बहुत ही ज्यादा वहां पर बहुत ही ज्यादा पूरी तरीके से कंप्लीट साइलेंस थी पूरे तरीके से साइलेंस थी सडनली ओके व्हाट हैपेंड नेक्स्ट फाइन नेक्स्ट क्या हुआ सडनली आई डैश अ नॉइस ओके सडनली आई डैश अ नॉइस तो यहां पर जो शब्द आएगा
पहले तो वहां पर एकदम पूरे तरीके से खामोशी छाई हुई थी, शांति छाई हुई थी, लेकिन अचानक से सडनली अचानक से आई। तो मैं क्या करूंगा, मैं आवाज को, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है नॉइस यानी कि शोर, मैं शोर को देख तो नहीं सकता हूँ, मैं शोर को केवल सुन सकता हूँ। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू हियरिंग। तो यहाँ पर जो पहला शब्द दिया हुआ है दैट इज योर हियर, क्या दिया हुआ है हियर, तो हियर का जो वर्ब चेंज होगा दैट विल बी हर्ड। तो आप लोग को फिल कर लेना है, आप लोग को फिल कर देना है कि जो वर्ड आएगा दैट विल बी क्या होगा वो वर्ड, सॉरी यहाँ पर जो है H-E-A-R-D होगा हर्ड। तो क्या होगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होगा कि मैंने सुना, सडनली सुना मैंने, ओके। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा हर्ड। नाउ द नेक्स्ट, जो आप लोग का नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है दैट इज मिल्खा सिंह वॉज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक। जो मिल्खा सिंह थे वो क्या किए, वो आगे आगे दौड़ रहे थे 100 मीटर की रेस पे। इट डैश दैट ही वुड विन द रेस, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि वो 100 मीटर की जो दौड़ हो रही थी उसमें आगे आगे दौड़ रहे थे, वो लीड कर रहे थे, ओके। तो इट ऐसा लगता है दैट ही वुड विन, तो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। तो आप फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर को सपोर्ट कर सकते हैं, इट सपोज दैट ही विल विन, ओके। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाँ हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो वर्ड है आपका क्या, सीम, ओके, S-E-E-M, तो इसका हो जाना है जो सीम वर्ड है, तो इसका मतलब पहले क्या हो जाता है, इसका मतलब समझो पहले सीम भी होता है कि लगना, अनुभव होना या देखना, समथिंग ऐसे। तो इसका जो वर्ड सीम होगा दैट विल बी सीम, ओके, S-E-E-M-E-D, सीम, राइट। तो हमें इस वर्ड को नोट डाउन कर लेना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट इज गिवन हियर, पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। We could not play the cricket match because of the acidity. हम तेज वर्षा की वजह से बहुत तेज पानी बरसने के कारण मैच को नहीं खेल सकते हैं, ओके। देन क्या है, We dash until the race is stopped. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर पानी के जो पानी बरस रहा है उसके रुकने की प्रतीक्षा की जा रही है ना, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है। तो जो आपका वर्ड आएगा दैट द वर्ड विल बी वेट, और वेट का जो फॉर्म चेंज होगा वर्ब है मीन्स प्रतीक्षा करना, इसका जो फॉर्म चेंज होगा दैट विल बी W-A-I-T-E-D, वेटेड, ओके। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज गिवन हियर इज कमल इज द 800 मीटर रेस चैंपियन ऑफ अवर स्कूल। कमल हमारे स्कूल में जो दौड़ प्रतियोगिता है उसका क्या है, उसका चैंपियन है, 800 मीटर रेस का चैंपियन है। देन उसके बाद में क्या बताया जा रहा है बच्चों, सो फॉर ही हैज डैश, सो फॉर ही हैज डैश, यानी कि इसमें कुछ बताया जा रहा है कि बहुत दूर तक, है ना, सो फॉर। ओके, सो फॉर He has dashed many races and never lost any. तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो एक शब्द दिया हुआ है compete, okay? You all can see the word. यहाँ पर क्या word दिया हुआ है, compete, okay? तो जो compete word दिया हुआ है आपका, इसका verb, इस verb का form change करके हमें लिखना है। तो here क्या हो जाना है, यहाँ पर जो शब्द है आपका क्या, compete। तो इस word का क्या हो जाना है, competed. Competed, okay? Very good बेटा, ये आप जो भी यहाँ पर मैसेज कर रहे हो, अर्थ completed नहीं होगा, it will be completed, okay? ये जो completed शब्द होता है इसका मीनिंग होता है complete means संपूर्ण करना, पूरा करना, okay? लेकिन जो शब्द है compete, C-O-M-P-E-T-E, compete, इसका मीनिंग है यानी कि प्रतियोगिता करना, participate करना, okay? तो कंप्लीटेड नहीं होगा, इट विल बी कंप्लीटेड, ओके, C-O-M-P-E-T-E-D, ओके। बेटा अपनी वॉइस म्यूट कर लीजिए, कौन है आप, ऐसे नहीं करना है, ओके, आपको इसीलिए, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और मुझे 2 मिनट इंटरेक्शन करना है, प्लीज कोई जाइएगा नहीं, जस्ट वेट फॉर इट, ओके।